जीवन जीने की कला। सफल रूहानी जीवन की तैयारी से पहले सफल सांसारिक जीवन जीने की कला का सीखना अति आवश्यक है। बहुत से लोग इस कला के ना जानने के कारण अपने जीवन में असफलताओं में उलझे रहते हैं। उन्हें यह भी पता नहीं होता कि उनमें कितना सामर्थ्य है छिपा पड़ा है, जिसे जगाने की वे हिम्मत ही नहीं कर रहे होते तथा अपने भाग्य को ही कोसते कोसते नर के जीवन जीने पर मजबूर बने रहते हैं। सामान्यतः इंसान अपने भूतकाल में आए दुखों को याद करके दुखी रहता है या अपने भविष्य की चिंता और भविष्य में आने वाले भय की आशंका से दुखी होकर वर्तमान के सुख और वैभव का आनंद नहीं ले रहा होता। सुख भूतकाल की याद या भविष्य की चिंता में नहीं, वह तो वर्तमान में बीते जा रहे क्षण क्षण को सदुपयोग करके आनंदित रहने में है। इसलिए भय चिंता संशय आदि को त्याग कर अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाना ही सांसारिक तथा परमार्थिक जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। इसी विषय पर कुछ विद्वानों के चुने हुए वचन। जीवन जीने की कला भाग एक। हमें बनाने वाला प्रभु असीम है। जब हम उसके साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो हमारी शक्ति भी असीम हो जाती है, जिससे सामने आया संकट अपने आप दूर हो जाता है। डरा हुआ आदमी कोई काम ठीक से नहीं कर पाता। हमें यह पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन का स्रोत प्रभु स्वयं सारे पदार्थों का अखंड स्रोत है। हम फौरन ही यह मान लेते हैं कि यह संकट हमारी शक्ति और सामर्थ्य से भी अधिक बड़ा है। हमारा मन तभी भयभीत होता है जब हम उसे भयभीत होने की आज्ञा देते हैं या जब वह हमारे वश में नहीं रहता। डरते रहने से कोई लाभ नहीं होता। जो सैनिक डर जाते हैं उन्हें हराना जरा भी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वे हारे हुए तो पहले ही होते हैं। जब भी कभी आपको चिंता आ घेर ले, उस समय दूसरों की प्रशंसा कीजिए, हंसी मजाक की बातें कीजिए, किसी खेल में मन लगाइए, मनोरंजन के काम कीजिए, मन में आशापूर्ण विचार लाइए तथा उत्साह से भरी बातें कीजिए। ऐसा करते ही चिंता आपके मन से ओझल हो जाएगी। अपने मन में विश्वास की प्रबल तरंगे उठाइए, जिनसे आपका हौसला बढ़ेगा तथा आपकी आशाएं बलवान होती जाएंगी। क्रोध चिंता भय या दूसरे किसी प्रकार के मानसिक कष्टों क्लेशों टेंशन आदि से रक्त संचार में भारी बदलाव आता है, जिससे शरीर के अंगों पर बुरा असर पड़ता है। वे रोगों को ग्रहण करने लगते हैं और इस प्रकार मनुष्य की आयु कम होने लगती है। जितनी बार हम व्याकुल और बेचैन होते हैं, उतनी बार ही हम अपने शरीर के अंग अंग के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके उन्हें अपना नॉर्मल काम करने से रोकते हैं। हमें हमेशा अपनी भावनाओं को टेंशन में आने से रोककर उन्हें शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार किसी व्यक्ति से पीछा छुड़ाने के लिए हम उससे अधिक बातें नहीं करते, जिससे वह खुद ही हमारा पीछा छोड़ देता है, ठीक इसी प्रकार अगर हम अपने रोगों के बारे में चिंतन करना छोड़ देंगे
तो वे रोग भी समाप्त हो जाएंगे। यदि हमें कोई रोग लग भी जाए तो हमारे अंदर वह शक्ति है जो उसे दूर कर सकती है। इस प्रकार के विचार सर्वोत्तम औषधि से भी बढ़कर है। जो लोग असफलता से डरते रहते हैं वे प्राय असफल हो जाते हैं। भय का अर्थ है इच्छानुसार कार्य करने में असमर्थ होना, अपने को बेसहारा समझना। अपने मन में शुभ विचारों को स्थान दें। भय से व्यक्ति के मन में संदेह पैदा होता है जिससे साहस नष्ट होता है, और साहस नष्ट होने पर काम करने को मन नहीं करता। जो एजेंट सदा आशावान रहता है वह शायद ही कभी खाली हाथ लौटता हो। यदि आपकी मनोवृत्ति विजय की है तो आपकी अवश्य विजय होगी। भय से रचनात्मक पॉजिटिव शक्तियां कम होती हैं तथा आशाएं कुचली जाती हैं। भय योग्यता को ख़त्म कर देता है। चिंता और भय से मन में घबराहट और बेचैनी पैदा हो जाती है जिससे व्यक्ति के अपने उद्देश्य तक पहुंचने की संभावना कमज़ोर पड़ जाती है। भाषण करने वालों को मंच पर इस विश्वास से जाना चाहिए कि उनका संबंध शक्ति के अपार भंडार उस प्रभु से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग गरीब इस करके हैं क्योंकि उन्हें गरीबी का भय सामने आकर सताता रहता है। हर समय ऐसे भय को अपने मन में पालते रहना संपन्नता का शत्रु है। ऐसे व्यक्ति कभी धनवान बन ही नहीं सकते। जिन दिनों आय अच्छी होती है कई लोग उन दिनों भी आय बंद हो जाने के डर से दुखी रहते हैं। हमें कभी यह शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन अधिक गरीब होते जा रहे हैं। कल्पित निर्धनता का भूत अच्छी भली आय के दिनों में भी लोगों का पीछा नहीं छोड़ता। चिंता फिक्र ईर्ष्या कायरता संदेह अंधविश्वास घृणा होड़ बदले की भावना असहनशीलता अधिक लोभ या कंजूसी ये सब भय के ही अनेक रूप हैं। ये जब प्रकट होते हैं तो मानव अंगों की कार्यकुशलता को समाप्त कर देते हैं। जो संकट अभी आया ही नहीं हो सकता है उसके आने की संभावना भी ना हो, परंतु कुछ लोग ऐसे संकट से ही दुखी होकर अपने जीवन को अशांत और दुखी बनाए रखते हैं। चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए। कष्ट खुद इतना दुखदाई नहीं होता जितनी उसकी चिंता होती है। चिंता छोड़ दो और काम करो। बीते हुए पर पछतावा मत करो, पछतावे से कुछ भी नहीं होगा। आगे आने वाले वक्त की चिंता भी मत करो, बस बीत रहे समय वर्तमान में पूरी लगन और शक्ति से काम करो। कार्य का आनंद लूटिए। खुशी खुशी काम में लगे रहने से आनंद ही आनंद होगा। भय और चिंता करने से खून शुद्ध नहीं रह सकता। स्वस्थ चिंतन के लिए मस्तिष्क को शुद्ध रक्त मिलना चाहिए। भयंकर से भयंकर रोग में भी यदि धैर्य रखा जाए, होश हवास कायम रखे जाएं, मन में चिंता के भाव ना आने दिए जाएं, उसे स्थिर रखकर उचित उपचार और परहेज का ध्यान रखा जाए तथा इच्छा शक्ति को दृढ़ रखकर रोग को दूर करने की ओर लगाया जाए तो रोग निश्चित रूप से दूर होने लगता है।
मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह खुद सर्वशक्तिमान तो है नहीं कि उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। हम आवश्यक अनावश्यक सभी प्रकार के पदार्थों की इच्छा करते हुए अपना सुख और शांति गंवा बैठते हैं और उन वस्तुओं के ना मिलने पर अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। दूसरों की चीज़ों को देखकर बेचैन नहीं होना चाहिए। हो सकता है हमारे पास भी बहुत सी चीज़ें दूसरों से अधिक अच्छी और अधिक उपयोगी हैं, या हो संभव है कि हम में बहुत सी बातें दूसरों से अच्छी हों, अच्छे गुण हों, अच्छा स्वभाव हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। अपने लक्ष्य पर सदा दृढ़ रहकर उसके अनुसार काम करते हुए जीवन के आनंद का उपभोग करें। दूसरों से ईर्ष्या करने से हमारा निशाना आँखों से ओझल हो जाएगा और बुद्धि कमज़ोर हो जाएगी। बहुत से लोग सुखी केवल इसलिए हैं कि उनका जीवन क्रम निश्चित है और उन्होंने बेकार की कोई चिंता नहीं पाल रखी है। आनंद व्यर्थ की चिंताएं छोड़ने से तथा अपने मन को सदा स्वस्थ रखने से ही प्राप्त होता है। हर समय धन की लालसा, बैंक बैलेंस बढ़ाने की होड़, व्यर्थ की भाग दौड़ तथा बेकार की इच्छाओं ने हमारे जीवन में भयंकर बेचैनी भर दी है। हम मन को अधिक स्थिर और शांत करके भाग दौड़ छोड़कर धन की लालसा को त्याग कर सत्य पर चलते हुए संसार की कहीं अधिक भलाई कर सकते हैं। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमें प्राप्ति होगी। खुश रहने के लिए हमें अपने मन में कभी किसी दुर्भाग्य की आशंका या विचार को नहीं आने देना चाहिए। सैकड़ों तरह के भय मनुष्य के जीवन को वास्तविक दुख आने से पहले ही दुखी करते रहते हैं। भय और उसका परिवार उन लोगों को अधिक भयभीत करता है जो दुर्बल हृदय हैं और जिन्होंने अपनी सत्ता उस सच्चिदानंद प्रभु से अलग कर रखी है। यदि व्यक्ति चिंता छोड़कर चिंतन करे तथा मन को स्वस्थ और प्रसन्न रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े तो उसका कार्य अपने आप ही योजना के अनुसार पूर्ण होने लगता है। कुछ लोग भय के कारण एक बार नहीं कई बार मरते हैं। मानव की प्रगति को रोकने वाली सबसे बड़ी बाधा चिंता है। निराशा, चिंता या डर के समय हम अपने शरीर में उन अंशों को हौसला दे रहे होते हैं जो हमारे लक्ष्य के विरुद्ध होकर रुकावट बनते हैं। जरा उस व्यापारी की कल्पना कीजिए जिसका दिवाला निकल रहा है। यदि वह अपनी बची हुई पूंजी को बैंक से निकालकर यों ही फेंक दे तो आप उसे पागल अथवा मूर्ख ही कहेंगे, परंतु क्या तब आप और हम उससे भी अधिक बड़ा पागलपन नहीं करते जब केवल काल्पनिक विपत्तियों में अपने दिमाग की बहुमूल्य शक्तियां नष्ट करते हैं। जब व्यक्ति के ऊपर कोई मुश्किल आ पड़े तो उसे अपने पूर्ण उत्साह, धैर्य, संपूर्ण गुणों और हर प्रकार की योग्यता द्वारा उसका मुकाबला करना चाहिए। वही समय होता है जब वह अपनी योग्यता का पराक्रम दिखा सकता है। ऐसे समय में भी यदि आप काम छोड़कर चिंता में डूब जाते हैं तो अपनी स्पीड को खुद ब्रेक लगाते हैं। आपने किसी बात की चिंता करते करते कई रातें करवटें बदलते हुए बिता देने से यह अनुभव किया होगा कि समस्याएं तो वैसी की वैसी ही खड़ी हैं, परंतु आपका तन मन थक कर टूट हो चुका है। इससे इतना स्पष्ट हो जाना चाहिए कि चिंता ने आपकी समस्या को सुलझाने में कोई मदद नहीं की, उल्टा उसके स्थान पर शरीर और मन की
कार्य करने की शक्ति को चाट लिया। ऐसी स्थिति में बताइए कि डर को मन में जगह देना कहाँ तक ठीक है। जरा सोचिए, दिमाग के जिन सूक्ष्म तंतुओं को चिंता ने सता रखा है, वे अपना कार्य सही ढंग से किस प्रकार कर पाएंगे। चिंता सफलता की भयंकर दुश्मन है। चिंता का ही दूसरा नाम है विश्वास की कमी। हमें चाहिए कि हम चिंता को अपने पास भी ना फटकने दें और उसकी जगह उत्साह, हिम्मत, साहस, शौर्य, धैर्य और बुद्धिमत्ता को स्थान दें। प्रायः लोग काम तो आधे मन से करते हैं और आशा पूरे फल की करते हैं। यह तो ऐसे ही अपराध है जैसे दूसरे दर्जे का टिकट लेकर पहले दर्जे में यात्रा करना कानूनन जुर्म है। संशय उत्पन्न होते ही हमारे प्रयत्नों पर रोक लग जाती है। जिन आदर्शों को हमने स्वयं पूर्ण करना था, हम अपने मन में संशय के बीज बोकर खुद उनके दुश्मन बन जाते हैं। जब आप किसी कार्य के संबंध में उसके सब पहलुओं पर विचार करके यह निश्चय कर लेते हैं कि आपको क्या करना है और आप अपना मार्ग भी चुन लेते हैं, तब आपको चाहिए कि संशय को मन में प्रवेश ना होने दें। किसी भी कार्य के लिए प्रयत्न आरंभ करने से पूर्व ही उसके सब पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार कर लीजिए और एक बार मन में निश्चय कर लेने पर कि कार्य किस प्रकार करना है, अपना कार्य निरंतर करते जाइए। संशय करके आप खुद अपने मार्ग में रोड़े अटकाते हैं। पत्थरों के ढेर लगाकर मार्ग को बंद कर देना चाहते हैं। संशय द्वारा आप उसी वस्तु को अपने से दूर कर रहे हैं जिसे आप पाना चाहते थे। आप स्वयं पर संशय करके एक आसान काम को भी अपने लिए मुश्किल बना लेते हैं। अपने विचार सदा पॉजिटिव रखें, अपनी सफलता पर भरोसा रखें, अपनी विजय पक्की समझें। ऐसा करने पर ही आपकी विजय होगी। सदा अपने और संसार के कल्याण की बातें करते रहें, आनंद की बातें करें, रोना धोना और हौसला कम करने वाली बातें सदा सदा के लिए छोड़ दें। संदेह सदा कायर आदमी पर ही हमला करता है। आत्मा से दुर्बल व्यक्ति ही संशय के शिकार होते हैं। जिन व्यक्तियों को अपने आप पर भरोसा होता है, संशय उन पर कभी भी हमला नहीं करता, क्योंकि उसे यह पता होता है कि यदि आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति पर हमला किया तो वह मारा जाएगा, बुरी तरह कुचल दिया जाएगा। संशय प्रतिदिन लाखों लोगों को अपना निश्चय छोड़ देने, प्रयत्न ना करने और कार्य आरंभ करना छोड़ देने के लिए उकसाता रहता है। निराशा हमारी प्रसन्नता, सुख और शांति को ही नष्ट करती नहीं, वह हमारे उन संकल्पों को भी नष्ट कर डालती है जो हमने कुछ सत्कर्मों को करने के लिए किए थे। 10 मिनट की निराशा और उत्साहहीनता आपके कई दिन के प्रयत्न पूर्वक बनाए गए कार्यों को नष्ट कर देती है। निराशा और उत्साहहीनता ऐसे शत्रु हैं जो हमारी सफलता और खुशी में हमेशा बाधाएं डालते हैं, उन्हें नष्ट करने का यत्न करते हैं। जब कभी भी निराशा आप पर हमला करे, आपको पराजित करना चाहे, तो आप अपने मन को दृढ़ रखिए। निराशा के आगे उसे झुकने मत दीजिए। यदि हमने मन पर निराशा का काला पर्दा डाल रखा है तो संसार भी हमें निराशा से घिरा हुआ दिखाई देगा। यह कैसे हो सकता है कि अपनी आँखों पर तो हमने काला चश्मा लगा रखा हो और हमें सफ़ेद दिखाई दे। यदि आप उत्साह, साहस और कर्मठता को जगा लें
तो आप घोर से घोर निराशा की भावना को भी दूर कर सकते हैं, उत्साहहीनता को दूर भगा सकते हैं। यदि हम बंजर भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं तो अपने मन से निराशा के झाड़ झकाड़ों को उखाड़ कर वहाँ पर आशा के सुंदर फूल खिला सकते हैं। यदि आप जीवन में विजयी होना चाहते हैं तो आपके मन में भी विजयी भाव होने चाहिए। यदि जनरल अपने सैनिकों में पराजय व डर की भावना अथवा विजय के प्रति थोड़े से भी संदेह की आशंका से जाता है तो वह शत्रु की तोप का पहला गोला चलते ही हार जाएगा। सेनाएं तुरंत उस भावना को ग्रहण कर लेती हैं जो उनके सेनापति के मन में होती हैं। मैं नहीं कर सकता, असफलता के इस विचार ने अनेक तेजस्वी व्यक्तियों को कहीं का नहीं छोड़ा, उन्हें नपुंसक बनाकर फेल कर दिया। यदि आप भी सफलता की कामना करते हैं और संगति असफल व्यक्तियों की करते हैं तो आपकी सफलता में रुकावट पड़ जाएगी। निर्बल आशा वाले व्यक्ति फेल हो जाते हैं। एक आदमी अच्छी नौकरी की तलाश करते करते हार कर रात को एक बेंच पर लेट गया। तभी उसे आकाश में लाल अक्षरों में लिखा दिखाई दिया, अपने पर विश्वास रखो। सुबह उठते ही वह मन में दृढ़ निश्चय करके नौकरी की खोज करने लगा। रात्रि को प्राप्त हुई चेतना और नई दृष्टि उसके लिए रक्षक ढाल का सा काम कर रही थी। अब वह किसी कार्यालय में जाता तो उसकी आवभगत होती। उसके कपड़े विशेष अच्छे नहीं थे, परंतु उसके मुखमंडल पर आत्मविश्वास की झलक थी, आशा की एक चमक थी। सौभाग्य देखिए कि उसे उसी दिन नौकरी मिल गई। असली सामर्थ्य आत्मविश्वास से ही उत्पन्न होता है। सैनिक का हृदय और उसका आत्मविश्वास ही युद्ध में जीतता है। आत्मविश्वास के द्वारा असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। ज्यों ज्यों आत्मविश्वास में वृद्धि होती जाती है त्यों त्यों कार्य करने की शक्ति सफल होती है। उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाले पीरल ने ईश्वर को क्षण भर के लिए भी अपने से अलग नहीं किया और इस प्रकार उत्तरी ध्रुव को खोज निकाला। अपने मन से चिंता या संदेह की बात को तुरंत बाहर निकाल फेंकिए। जब आप अपने कार्य करने की शक्ति पर खुद संदेह करने लगते हैं तो आप अपनी योग्यता पर ही चोट करते हैं और असफल हो जाते हैं। हमें हर बात का उज्जवल पक्ष ही देखना चाहिए। फूल अंधेरे की ओर रुक करना भी स्वीकार नहीं करता। चहकते हुए मन में आश्चर्यजनक शक्ति होती है। एक गडरिये से किसी ने पूछा, कल मौसम कैसा रहेगा? गडरिये ने कहा, मौसम वैसा ही रहेगा जैसा मैं चाहूँगा। जब पूछने वाले ने उसके इस उत्तर पर हैरानी प्रकट की तो गडरिया फिर बोला, मौसम तो वैसा ही रहेगा जैसा ईश्वर को मंजूर होगा, परंतु जिस बात में मैं ईश्वर प्रसन्न रहता है उसी में मैं भी प्रसन्न रहता हूँ, इसलिए मौसम सदा मेरे अनुकूल रहता है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सदा प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति ही पराजय को विजय में बदल सकते हैं, क्योंकि वे घटना के उज्जवल पक्ष को ही देखा करते हैं। धन्य है ऐसे लोग जो स्वयं प्रसन्न रहकर दूसरों को भी प्रसन्न रखते हैं। अपना स्वभाव सदा आशा पूर्ण रखना चाहिए। मनुष्य परिश्रम करे और सदैव उज्जवल पक्ष पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखे। जब भी आप दुकान या दफ्तर से विदा हों तो काम को वहीं ताले में बंद करके आए। जो व्यक्ति हर समय और हर जगह काम के बोझ को अपने कंधे पर उठाए फिरते हैं, उनके मित्रों और मिलने वालों को उनसे घृणा होने लगती है। हंसी का जन्म स्थल फेफड़े हैं, जिससे कि लीवर, आमाशय तथा अन्य अंगों में
एक विशेष प्रकार की थरथराहट पैदा होती है। दिल की धड़कन तेज होती है और शरीर में खून का दौरा तेज हो जाता है। ठहाका लगाकर हंसने से आंखों में चमक जागती है, छाती फैलती है और हमारी नस नाड़ियों में संतुलन पैदा होता है। हंसी बहुत ही सस्ती दवाई है, इसलिए जब भी हो सके हंसना चाहिए। दिन में 3 बार खुलकर ठहाके जरूर लगाएं। यदि बाहर संकोच लगे तो अपने कमरे को अंदर से बंद करके अकेले ही हंस हंस कर लोटपोट हो जाइए। किसी व्यक्ति ने एक रोगी से कहा, तुम ठीक हो जाओगे। यह बात उसने इस ढंग से कही कि मजबूरन रोगी के मुंह से हंसी फूट पड़ी। हंसने की इस कोशिश से उसके शरीर की नस नाड़ियों में ऐसा बदलाव आया कि वह कुछ दिनों में सचमुच ही पूर्णतः ठीक हो गया। अपने घर की दीवारों पर कभी कोई उदासी भरे चिंताग्रस्त चित्र ना लटकाएं और ना ही इस प्रकार की कोई बात करें जिसका संबंध मुसीबतों से हो। निराश और संकटग्रस्त व्यक्ति को सदा आशा और उत्साहपूर्ण बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अकेली प्रसन्नता का कभी जन्म नहीं होता, उसके साथ विजय का गठजोड़ भी होता है। मुस्कुराहटों से भरा बॉक्स हर कीमत पर खोलना चाहिए। एक उत्साहपूर्ण विचार, एक मुस्कुराहट अथवा उत्साहित करने वाला एक शब्द भारी भरकम बोझ को अति हल्का कर देता है। मनुष्य अपने वर्तमान से कभी संतुष्ट नहीं होता और सदैव ही किसी बड़े अवसर या अद्भुत चमत्कार के होने की आशा लगाए रखता है। इस प्रकार भविष्य के झूठे सपनों में खोया रहकर वह वर्तमान के सुख और सुंदरता और आनंद को भी नहीं भोग पाता। संतुष्ट वही हो सकता है जो मृग तृष्णा को त्याग दे। एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि कल तक हम जिस चीज़ के लिए कठोर परिश्रम करते रहते थे उसकी प्राप्ति पर भी हमें खुशी नहीं होती। होता यह है कि उस वस्तु की ओर हमारी रुचि कम हो जाती है और हम किसी दूसरी चीज़ की लालसा करने लगते हैं। सौभाग्य से जब हम उसको भी प्राप्त कर लेते हैं तब हम अपने आप को उससे भी असंतुष्ट पाते हैं। इस प्रकार हमारी इच्छाएं कभी तृप्त नहीं हो पाती। सुख की प्राप्ति तो संतोष से होती है। भौतिक पदार्थों को हम सुख का साधन समझते हैं, प्रसन्नता उनमें नहीं होती। प्रसन्नता का संबंध आत्मा से है, सांसारिक पदार्थों से उसका कोई संबंध नहीं। सुख की प्राप्ति जीवन को आदर्शों के अनुरूप चलाने से ही होती है। एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष छल कपट लालच आदि से तो सुख कोसों दूर भाग जाता है। असली सुख परोपकार से प्राप्त होता है, हर समय अधिक प्राप्ति की हाय हाय से नहीं। कुदरती सौंदर्य प्रसन्नता के अटूट भंडार हैं जिन पर मनुष्य का एक भी पैसा खर्च नहीं होता। मित्रता हमदर्दी और प्रेम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रभु बारंबार हमें प्रसन्न रहने का संदेश देता है, हमें उसकी इस आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करता है। आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में जीवन जीने की इस कला को जरूर अपनाएंगे। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा।